हेलो दोस्तों दोस्तों आपका ट्रैवल इन फॉरेन ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अयोध्या में बनने वाले रिंग रोड के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विकास योजनाओं को अमली जमा बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को देखते हुए इस नगरी तक पहुंचने को आसान बनाने पर भी कार्य शुरू हो गया है। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य चलने के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। देश के हर कोने से लोग यहां पहुंच रहे हैं। अपनी पुरातन संस्कृति को समेटे हुए इस धार्मिक नगरी को पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों इसको देखते हुए शहर के रिंग रोड की योजना तैयार की गई है। 3 जिलों को छूकर निकलने वाले रिंग रोड के जरिए अयोध्या तक किसी भी कोने से पहुंचना आसान हो जाएगा। दोस्तों योगी आदित्यनाथ सरकार ने लगभग 68 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की योजना पर काम शुरू कर दिया है। दोस्तों रामनगरी के रिंग रोड के निर्माण की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। यह रिंग रोड 3 जिलों से होकर गुजरेगी। दोस्तों अयोध्या के अलावा गोंडा और बस्ती जिले होते हुए रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे NHAI भी हम कहते हैं, ने रिंग रोड के निर्माण के लिए जमीन के सर्वे का काम पूरा कर लिया है। इसके साथ ही राम नगरी में रिंग रोड के निर्माण की योजना पर अब काम तेजी से चलने की बात की जा रही है। दरअसल राम मंदिर का निर्माण के साथ साथ अयोध्या नगरी में भी विकास की योजनाओं को रफ्तार दी जा रही है। इस क्रम में शहर की सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण की योजना पर काम शुरू किया गया है। दोस्तों अयोध्या को विरासत को संभालते हुए शहर को आधुनिक रूप देने की सरकार की योजना है। दोस्तों अगर मैं रूट की बात करूं तो अयोध्या रिंग रोड का रूट मैप तैयार किया गया है, जिसमें जमीन सर्वे का काम पूरा होने के साथ ही इस योजना की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों रिंग रोड गोंडा के महेशपुर गांव से शुरू होगा। यहां से विष्णुहरपुर होते हुए अयोध्या के मगलसी तक पहुंचेगी। अयोध्या के सराय राशी से रिंग रोड बस्ती जिले के सीतारामपुर गांव तक पहुंचेगी। वहां से यह दोबारा महेशपुर में मिल जाएगी। दोस्तों रिंग रोड की परिधि लगभग 68 किलोमीटर लंबी होगी। योजना में करीब 5000 करोड़ रुपए के खर्च आने का की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ साथ रिंग रोड के लिए लगभग 392 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए DPR तैयार की जा रही है। दोस्तों जमीन के अधिग्रहण पर लगभग 690 करोड़ रुपए खर्च होने की सरकार की योजना भी है, जो लोगों को आवंटित की जाएगी। दोस्तों योजना के तहत रिंग रोड की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि फरवरी के अंत तक कागजी कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों मार्च में जमीन मालिकों को पूजा राशि तक भुगतान भी शुरू करने की सरकार की योजना है, और उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल या मई से रिंग रोड का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए काफ़ी तेजी गति से सरकार इनको लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि अक्टूबर या नवंबर तक ये आम जनता के लिए इसे खोलने की सरकार की योजना भी है। दोस्तों इसके अलावा यह 2 तहसीलों के 37 ग्राम पंचायतों से होकर निकलेगी यह रोड। दोस्तों अयोध्या जिले के 2 तहसीलों सदर व सुहावल के 37 ग्राम पंचायतों से यह रिंग रोड निकलेगी। सदर तहसील के 17 गांव से लगभग 99 हेक्टेयर और सुहावल तहसील के 20 गांव के किसानों से लगभग 107 हेक्टेयर भूमि ली जानी इसमें है। दोस्तों किसानों से कुल लगभग 207 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी। इसको लेकर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है
और सूत्रों के मुताबिक धारा 3A के तहत कार्रवाई भी इसमें शुरू करनी है। आशा है दोस्तों इसे जल्द ही सरकार पूरा करेगी और आम जनता के लिए इसे बहुत जल्द खोली भी जाएगी और इसे लगभग लगभग नवंबर दिसंबर तक आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।